और मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मची है। मध्य प्रदेश के उफनते डैम से पानी छोड़ जाने से उफान मारती नदियों का पानी मैदानी इलाकों में तबाही मचा रहा है। मध्य प्रदेश में पानी से लबालब भरे डैम से पानी छोड़े जाने से पार्वती, कूनो, सिंध समेत लगभग सारी नदियां उफान पर हैं। झांसी, शिवपुरी, फेंड, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए 80 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दतिया के ओरिना में मंदिर में फंसे दो पुजारियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया गया। तो वहीं बेतवा नदी में आई बाढ़ से घिरे 10 महीने के बीमार मासूम बच्चे को बचाने के लिए SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए SDRF, NDRF, एयरफोर्स के साथ सेना के जवान तैनात हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।